हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग अपना डीप लर्निंग वाला कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं और आज तीसरा दिन है। और जैसा मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो में कि अब थ्योरी कंप्लीट हो गया, अब हम लोग प्रैक्टिकल साइड में मूव करेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअल डीप लर्निंग, जो चीज़ें आपको पढ़नी है और सीखनी है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो मुझे लगता है कि डीप लर्निंग की कहानी तो परसेप्ट्रॉन से ही स्टार्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम परसेप्ट्रॉन पे फोकस करेंगे, उसको इन एंड आउट समझेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पे, या फिर ANN बोल सकते हो, ठीक है। तो परसेप्ट्रॉन कवर करने में 2 से 3 वीडियोज़ लगेंगे। अभी मैंने कम्प्लीटली शूट नहीं किया है तो मुझे आइडिया नहीं है, बट क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग सबसे पहले परसेप्ट्रॉन का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि परसेप्ट्रॉन होता क्या है, ठीक है, उसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन क्या है, और उसको कोड वगैरह में रन करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि परसेप्ट्रॉन को ट्रेन कैसे किया जाता है, क्योंकि जस्ट लाइक एनी अदर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम, इसमें भी ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और एक बार जब हम सीख जाएंगे कि इसको ट्रेन कैसे किया जाता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि परसेप्ट्रॉन में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो जिसने काइंड ऑफ परसेप्ट्रॉन की ग्रोथ को रोक दिया और जिसकी वजह से मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं एक बार ऑनेस्टली आपके साथ बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि विदाउट परसेप्ट्रॉन पढ़े सीधे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मत पढ़ना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक बार जब आप सिंगल परसेप्ट्रॉन को ट्रेन करना सीख जाओगे तो फिर मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को ट्रेन करना थोड़ा इजीली समझ में आता है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं, मेरे को लगता है वो सही लर्निंग फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। तो जो भी है, नाउ दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब यू माइट आस्क कि परसेप्ट्रॉन होता क्या है, ठीक है। सो फॉर स्टार्टर्स, परसेप्ट्रॉन इज एन एल्गोरिदम। इट इज एन एल्गोरिदम, जैसे आपने और एल्गोरिदम्स पढ़े होंगे, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVM, उसी तरीके से परसेप्ट्रॉन भी एक एल्गोरिदम है, ठीक है। और इसको यूज किया जाता है फॉर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है। इट्स जस्ट कि इसका डिजाइन ऐसा है, इस एल्गोरिदम का डिजाइन ऐसा है कि ये ऑटोमेटिकली डीप लर्निंग का बिल्डिंग ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो इसीलिए डीप लर्निंग को पढ़ने के पहले आप परसेप्ट्रॉन अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, इस सेक्शन में परसेप्ट्रॉन को बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। सो सबसे पहले आई विल शो यू कि परसेप्ट्रॉन दिखता कैसा है, उसका डिजाइन क्या है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज द डिजाइन ऑफ परसेप्ट्रॉन, ठीक है। सो परसेप्ट्रॉन एक एल्गोरिदम तो है ही, बट आप उसको साथ ही साथ एक मैथमेटिकल मॉडल बोल सकते हो। यू कैन कॉल इट अ मैथमेटिकल मॉडल, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ मैथमेटिकल फंक्शन, जो आपने फंक्शन स्कूल्स में पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, ये इसका मॉडल है परसेप्ट्रॉन का। मैं एक एक करके चीजें समझाता हूँ। सो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये काम कैसे करता है। सो सबसे पहले क्या होता है कि आप परसेप्ट्रॉन में यहां से इनपुट देते हो, इस साइड से यू गिव, यू प्रोवाइड इनपुट, ठीक है। सो ये जो X1 है और ये जो X2 है, ये एक्चुअली इनपुट है, ठीक है। अब ये वन क्या है, ये मैं थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। अब ये जो कनेक्शंस हैं आपके इनपुट और ये जो ब्लॉक है, इसको हम समेशन ब्लॉक भी बोल सकते हैं, जहां पे चीजें ऐड होती हैं। सो ये जो ब्लॉक के बीच का कनेक्शन है, इनको हम वेट्स एंड बायसेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो W1 लिखा है और जो W2 लिखा है, ये दोनों वेट्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनको वेट्स बोला जाता है। और ये जो वन के थ्रू कनेक्शन है, इसको हम बायस बोलते हैं, इसलिए मैंने उसको B से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आके चीजें जुड़ती हैं, इस जगह पे आके चीजें जुड़ती हैं, समेशन होता है। समेशन कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट। सो होगा क्या, हम X1 और W1 को मल्टीप्लाई करेंगे, W1 X1, फिर हम W2 और X2 को मल्टीप्लाई करेंगे, W2 X2,
प्लस हम बी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे बी। सो यहां पे इस पार्ट में ये ऑपरेशन हो रहा है, ये ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, लेट्स कॉल इट जेड, जो आउटपुट आ रहा है उसको जेड बोल रहे हैं। और फिर आप उस जेड को आगे भेज दोगे, यहां से जेड ट्रैवल करके यहां पे जाएगा और इसको बोला जाता है एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। अब एक्टिवेशन फंक्शन का काम होता है आपके जेड को एक गिवन रेंज में लेके आना, ठीक है। अब वो रेंज कुछ भी हो सकता है, माइनस वन से वन हो सकता है, जीरो से वन हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, बट एक्टिवेशन फंक्शन का काम है इसको काइंड ऑफ एक रेंज में लेके आना, क्योंकि ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये इनपुट कुछ भी है, ये वेट कुछ भी है, तो ये नंबर कुछ भी हो सकता है। अब इस नंबर को आपको एक रेंज में लेके आने के लिए आप एक फंक्शन को यूज करते हो, एक मैथमेटिकल फंक्शन को, जैसे कि एक मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन क्या करता है, स्टेप फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये स्टेप फंक्शन का ग्राफ है कि अगर आपका एक्स का वैल्यू यहाँ पे जेड है, अगर आपके जेड का वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो तो आउटपुट विल बी वन, इफ जेड का वैल्यू इज लेस देन जीरो तो आउटपुट विल बी जीरो, ठीक है। तो ये एक एक्टिवेशन फंक्शन है, इसकी तरह और भी एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड रेल्यू, टैन एच, और इस तरह के बहुत सारे और एक्टिवेशन फंक्शंस आप आगे पढ़ोगे, बट अभी हम लोग सिर्फ ये जान लेते हैं कि ये एक्टिवेशन फंक्शन का ब्लॉक है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज द एंटायर डिजाइन। यहां से आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, यहां से आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, इनको आप वेट्स बोलते हो, इस वाले को आप बायस बोलते हो, यहां पे चीजें समेशन एज इन समेट होती हैं, ऐड होती हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट, और फिर वो जेड आगे मूव करता है टुवर्ड्स एक्टिवेशन फंक्शन, और जो भी आउटपुट है, लेट्स से इस केस में स्टेप फंक्शन वाले केस में जीरो या फिर वन, आपको यहां से रिसीव होता है, ठीक है। सो दिस इज द मैथमेटिकल डिजाइन। अब इस पूरे डिजाइन को यूज कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूं। सो फॉर नाउ लेट्स टेक अ स्मॉल प्रॉब्लम, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मशीन लर्निंग में। मान लो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, मान लो हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है। डेटा क्या है, हमारे पास स्टूडेंट्स का आईक्यू है, मतलब हर स्टूडेंट का आईक्यू कितना है और उनका कॉलेज में सीजीपीए कितना है, और फिर हमारे पास ये डेटा है कि उनका प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, प्लेस्ड वन और नॉट। सो जैसे एक स्टूडेंट का डेटा कुछ ऐसा हो सकता है 78, 7.81, मतलब इस स्टूडेंट का आईक्यू 78 है, सीजीपीए 7.8 है और इसका प्लेसमेंट हो गया। एक हो सकता है 69, 5.10, ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो मान लो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि हमें एक प्रिडिक्टर बनाना है, हमें एक मॉडल बनाना है, और उस मॉडल को हम जब ये डेटा देंगे तो वो इस डेटा से सीखेगा, और फ्यूचर में अगर हम किसी स्टूडेंट का आईक्यू और सीजीपीए प्रोवाइड करेंगे तो ये मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कि उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आप इसको लेट्स से सॉल्व करना चाहते हो यूजिंग परसेप्ट्रॉन, तो दो स्टेजेस होते हैं क्लियरली, जैसे किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में होते हैं। पहला स्टेज होता है ट्रेनिंग और दूसरा स्टेज होता है प्रिडिक्शन। तो ये जो परसेप्ट्रॉन का मॉडल है इसमें भी आप दोनों चीजें करोगे, पहले आप इसको ट्रेन करोगे फिर आप इसको यूज करोगे प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। तो मैं आपको रफली समझाता हूँ कि ट्रेनिंग कैसे होती है। सो ट्रेनिंग के लिए आप क्या करते हो कि आप एक एक करके हर स्टूडेंट को उठाते हो और यहां पे भेजते हो, ठीक है। अब यहां पे फॉर एवरी स्टूडेंट एक्स वन क्या हो जाएगा, उसका आई क्यू का वैल्यू, और एक्स टू क्या हो जाएगा, उसका सीजीपीए का वैल्यू, ठीक है। सो जैसे हम पहले स्टूडेंट की अगर बात करें तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां पर 78 भेजेंगे और यहां पे 7.8 भेजेंगे, ठीक है। और हमें पता है हम इसका आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, और सिंस हमें ऑलरेडी पता है कि आउटपुट 1 होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आउटपुट क्या आ रहा है हम इस मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। बेसिकली द आइडिया इज वेरी सिंपल। इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या करना होता है
कि आपको ये W और B इनका वैल्यू निकालना होता है इस पूरे लर्निंग प्रोसेस का, इस पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप W2, W1 और B का वैल्यू निकालते हो। दैट इज द होल आइडिया। ठीक है, कैसे निकालते हैं, परसेप्ट्रॉन को ट्रेन कैसे किया जाता है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। फॉर नाउ बस इतना समझ लो, मैं एक बार इजिली समराइज कर देता हूँ कि आप इस ट्रेनिंग डेटा को यूज करके W1, W2 और B का वैल्यू कैलकुलेट करते हो। ठीक है, एक बार जब आपका W1, W2 और B का वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है आफ्टर ट्रेनिंग, तो फिर आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लो W1 का वैल्यू है 1 और W2 का वैल्यू है 2 और B का वैल्यू है 3, ये आपने ट्रेनिंग से कैलकुलेट किया। अब आपके पास एक नया स्टूडेंट आया जिसका CGPA है 5.1 और उसका IQ है 100, और अब आपको बोला जाए कि इस परसेप्ट्रॉन को यूज करके प्रिडिक्ट करो कि इस बच्चे का प्लेसमेंट होगा कि नहीं। तो आप क्या करोगे, X1 में पास कर दोगे 100, क्योंकि ये जो नया बच्चा है इसका IQ 100 है, और X2 में पास कर दोगे 5.1। अब क्या करोगे आप, दोनों को मतलब समेट करोगे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय W1 प्लस 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस B का वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करोगे, ये आपका Z है, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 10.2 प्लस 3, सो 113.2। ठीक है, अब आप इस Z को एक्टिवेशन फंक्शन में पास करोगे। सिंस Z का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप बोल दोगे कि इस बच्चे का प्लेसमेंट होगा। अगर ये Z नेगेटिव आया होता तो फिर आप बोलते कि बच्चे का प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, सो अभी बस मैंने आपको ये दिखाया कि परसेप्ट्रॉन से प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है। परसेप्ट्रॉन से प्रिडिक्शन करने के लिए आपको इन वेट्स और इस बायस का वैल्यू पता होना चाहिए, और इन वेट्स और बायस का वैल्यू पता कैसे चलेगा, ट्रेनिंग के प्रोसेस में। और ट्रेनिंग करने के लिए आपको चाहिए है डेटा, जैसे आपको बाकी एल्गोरिदम्स में चाहिए होगा। ठीक है, अब ये जो चीज मैंने बहुत आराम से चलते फिरते मैं आपको बता दी, इसी पूरी चीज को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जा करके, जब हम इसका ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, बट फॉर नाउ दिस वॉज एन स्मॉल इंट्रोडक्शन कि वॉट इज परसेप्ट्रॉन। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इफ मेरे पास दो से ज्यादा इनपुट कॉलम्स हैं, जैसे कि IQ और CGPA दो इनपुट कॉलम्स है, व्हाट इफ मेरे पास एक और इनपुट कॉलम है कि वो बच्चा कौन से स्टेट का है। ठीक है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यूपी, कौन से स्टेट का, ये भी एक इनपुट है, तो आपका परसेप्ट्रॉन कैसा दिखाई देगा। बहुत सिंपल है, आपके पास जितने इनपुट कॉलम्स हैं आप उतने एक्स प्रोवाइड करोगे। तो आप क्या करोगे, यहां पर एक और इनपुट ले लोगे X3 का, और ये जो कनेक्शन है इसको आप W3 बुलाओगे। अब Z कैसे कैलकुलेट होगा, Z विल बी W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3, आई एम सॉरी, प्लस W3 X3 प्लस B हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे जैसे आप इनपुट कॉलम्स बढ़ाते जाओगे उतने ज्यादा आप इनपुट्स प्रोवाइड करोगे, दैट्स इट, बाकी के पूरे मॉडल में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग एक और पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे बात करेंगे, और वो ये है कि डीप लर्निंग के बारे में बोला जाता है कि डीप लर्निंग इज हेविली इंस्पायर्ड बाय आवर ओन नर्वस सिस्टम। ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम जैसे काम करता है, डीप लर्निंग भी वैसे ही काम करता है। तो इस पॉइंट के ऊपर हम लोग को डिस्कशन करना है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक परसेप्ट्रॉन जो है, ये जो हमने अभी पढ़ा परसेप्ट्रॉन, ये एक सिंगल न्यूरॉन के कंपैरिजन में कैसा है। ठीक है, सो एक बार ये इमेज देखो, इस इमेज में दो चीजें हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास परसेप्ट्रॉन है, एक बार वीडियो पॉज करके जस्ट मेक श्योर कि परसेप्ट्रॉन आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। देर आर मल्टीपल इनपुट्स, यहाँ पे कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं, हर इनपुट के लिए एक वेट असाइंड है, और लास्ट वाला जो इनपुट है वो 1 है, और उसके वेट को आप W0 बोल रहे हो, हमने उसको B बोला था।
ठीक है, यहाँ पे समेशन हो रहा है और यहाँ पे स्टेप फंक्शन है और यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज है। और लेफ्ट साइड में जो एंटिटी है इसको बोला जाता है न्यूरॉन। सो अगर आपने थोड़ा भी एलिमेंट्री बायोलॉजी पढ़ा होगा तो वहां पे आपको पता होगा कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन है वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है आपके नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और ये जो स्क्रीन पर है ये एक न्यूरॉन है, एक सिंगल न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन में क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सेल, ठीक है, बायोलॉजिकल सेल है ये। तो एक न्यूक्लियस होता है, दिस पार्ट इज न्यूक्लियस, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चल रही होती हैं। ये जो पार्ट है जहां पे ये आपको आई डोंट नो पेड़ के रूट्स की तरह दिखाई दे रहा है, इनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। यहां से इनपुट आता है, ठीक है, इनपुट आता है यहां से, यहां पे कुछ कुछ कैलकुलेशंस चलती हैं और यहां से आउटपुट बाहर जाता है, ठीक है। ये जो चीज है थिक सा, ये जो चीज है इसको बोला जाता है एक्सॉन। तो याद रखने की चीज ये है कि डेंड्राइट से इनपुट मिलता है, एक्सॉन से आउटपुट निकलता है और सारा का सारा इंटरनल कैलकुलेशन इस न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो इन अ वे अगर आप कंपेयर करो साइड बाय साइड तो यू कैन सी कि थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जो परसेप्ट्रॉन है वो इंस्पायर्ड है बायोलॉजिकल न्यूरॉन से, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है इसको आप रफली कंपेयर कर सकते हो विथ डेंड्राइट्स। जो न्यूक्लियस है उसको आप रफली कंपेयर कर सकते हो विथ दीज टू ब्लॉक्स, और जो आपका एक्सॉन है जो आउटपुट है उसको आप कंपेयर कर सकते हो विथ दिस आउटपुट जो आगे जा रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब न्यूरॉन्स आपस में बहुत सारे कनेक्ट हो करके नर्वस सिस्टम बनाते हैं, सिमिलरली बहुत सारे परसेप्ट्रॉन मिल करके एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, ये हम आगे देखेंगे। इस पॉइंट पे मुझे बस आपको ये समझाना था कि थोड़ा सा इंस्पिरेशन है, जो परसेप्ट्रॉन जिसने भी बनाया रोजनब्लैट ने, उन्होंने थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिया है बायोलॉजिकल न्यूरॉन से, बट ऐसा कहना गलत है कि बिल्कुल सेम है या बिल्कुल बेस्ड आउट है न्यूरॉन के ऊपर, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इंस्पिरेशन है, बाकी डिफरेंसेस की अगर आप बात करो तो बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ डिफरेंसेस। सो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस न्यूरॉन और परसेप्ट्रॉन के बीच में क्या है कि न्यूरॉन इज वेरी कॉम्प्लेक्स यार। मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट, कितने सारे इनपुट्स, मिलियंस ऑफ इनपुट्स आते हैं और इंटरनली क्या चलता है किसी को पता नहीं है, और फिर ये इन आउटपुट जो है वो भी कई और न्यूरॉन्स को जाके मिलता है। सो अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमने जो बनाया है या हम जो यूज कर रहे हैं परसेप्ट्रॉन, इट इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स, इट इज एक्चुअली सिंपल, थोड़ा सा इंस्पायर्ड है बट बहुत सिंपल है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या कैलकुलेशन होता है जिसके बेसिस पे आउटपुट निकलता है, आई हैव नो आइडिया। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता कुछ भी, कुछ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं जिसका आइडिया अभी तक शायद साइंटिस्ट लोगों को भी नहीं है। बट हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सिर्फ दो ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक समेशन हो रहा है, दूसरा स्टेप फंक्शन लग रहा है, एटलीस्ट इस वाले परसेप्ट्रॉन में। तो ये एक बहुत सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन है। तो यहाँ पर इंटरनल जो प्रोसेसिंग है वो न्यूरॉन के केस में इट इज अननोन सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, वेयर एज इन परसेप्ट्रॉन इट इज अ वेरी वेरी सिंपल फंक्शन जिसको आप प्लॉट करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो प्रोसेसिंग जो स्टेज है वो भी डिफरेंट है। थर्ड, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है कि आपकी ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये जो कनेक्शंस हैं, सिमिलरली ये जो कनेक्शंस हैं, ये ओवर टाइम इनका थिकनेस चेंज होता रहता है, ये जो थिकनेस है ये चेंज होता रहता है। सो ये और थिक हो सकते हैं शोइंग की कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, या फिर ये बहुत पतले हो सकते हैं शोइंग की कनेक्शन बहुत वीक है, या फिर हट सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं कि कोई कनेक्शन ही नहीं है, या फिर नए कनेक्शंस भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो जब भी आप छोटे होते हो, नए स्किल सीखते हो, तो ये कनेक्शंस पूरे टाइम बनते बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। वेयर एज इन आवर परसेप्ट्रॉन मॉडल ये जो कनेक्शंस हैं ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, दे डोंट चेंज, दे नेवर चेंज, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जिसको हम बोल सकते हैं न्यूरो प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो इस ओवरऑल डिस्कशन में मेरे को आपको बस दो चीजें बतानी थी। फर्स्ट,
आप ये बोल सकते हो कि परसेप्ट्रॉन वीकली इंस्पायर्ड है न्यूरॉन से, जो डिजाइन एलिमेंट है वो यस आई वुड से कि थोड़ा इंस्पायर्ड है, कॉपी हुआ है, बट इफ कोई बोल रहा है कि भाई बिल्कुल सिमिलर है, एकदम कॉपी कर दिया है, जैसे न्यूरॉन होता है वैसे ही परसेप्ट्रॉन होता है, तो आई वुड से नहीं, ये गलत बात है। जो न्यूरॉन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है और उसका इंटरनल वर्किंग अभी तक शायद हमने समझा भी नहीं है ठीक से, सो परसेप्ट्रॉन उसका ट्रू कॉपी नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीजें मैं आपको इस डिस्कशन में देना चाहूंगा। सो गाइस, थोड़ा आइडिया हमें मिल गया परसेप्ट्रॉन क्या होता है, कैसे काम करता है। अब मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन बताना चाहता हूँ। ये जो मॉडल हमने अभी डिस्कस किया, इसका एक बहुत खूबसूरत सा इंटरप्रिटेशन है। सो जो एग्जाम्पल हमने लिया था, उस एग्जाम्पल में हमें स्टूडेंट के आईक्यू और सीजीपीए का डेटा मिला हुआ था और उसका प्लेसमेंट हुआ या नहीं ये भी हमें पता था। ठीक है, अब मान लो हमने इस डेटा के बेसिस पे इस परसेप्ट्रॉन को ट्रेन किया और मान लो हमारे पास इन वेट्स और बायसेस का वैल्यू आ गया। ठीक है, मान लो W1 का वैल्यू है 2, W2 का वैल्यू है 4 और बायस का वैल्यू है 1, मान लो फिलहाल। ठीक है, अब मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन बताता हूँ इन वेट्स के बारे में, ये वेट्स क्या बताते हैं आपको। ठीक है, सो ये वेट्स एक्चुअली इन कनेक्शंस का स्ट्रेंथ बता रहे हैं। ठीक है, कि X1 और आपके इस मॉडल के बीच में जो कनेक्शन है वो कितना स्ट्रांग है, या फिर इन अ वे आप बोल सकते हो कि IQ सिंस यहां से एंटर करेगा और CGPA यहां से एंटर करेगा, तो यू कैन से कि स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करने में ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर CGPA है इन कंपैरिजन टू IQ। मैंने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज CGPA का जो वेट है वो IQ के वेट से ज्यादा है, इनफैक्ट 2 टाइम्स है। सो आप ये बोल सकते हो कि कोई स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा ये बताने में CGPA ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन कंपैरिजन टू IQ। ठीक है, सो ये वेट्स वही आपको बताते हैं कि कौन सा इनपुट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इनपुट कम इंपॉर्टेंट है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि इससे आप एक इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर सकते हो कि वेट्स आपको फीचर इंपॉर्टेंस बताते हैं। ठीक है, फीचर इंपॉर्टेंस। ओके, अब ये बायस क्या करता है ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, फ्यूचर में कर लेंगे। सो गाइज, अब हम लोग परसेप्ट्रॉन का ज्योमेट्रिक इंट्यूशन देखेंगे। बेसिकली ज्योमेट्रिक इंट्यूशन देखने का मतलब है कि उस एल्गोरिदम की वर्किंग को आप विजुलाइज करना चाहते हो। ठीक है, और मेरा मानना है कि किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को अगर आप एक बार काम करते हुए विजुअली देख लेते हो ना, तो फिर उस एल्गोरिदम को समझना इजी हो जाता है। ठीक है, तो परसेप्ट्रॉन हमने अभी जस्ट देखा इज अ वेरी सिंपल मॉडल। इट्स बेसिकली आपके पास दो ऑपरेशंस हैं, दिस इज समेशन एंड दिस इज लेट्स से स्टेप फंक्शन वाला ऑपरेशन। इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज समेशन एंड दिस इज लेट्स से एक्टिवेशन फंक्शन, और ये हमारे इनपुट्स हैं W1, W2, B1, X1, X2। एक्चुअली इसको X2 बोल देते हैं, इसको X1 बोल देते हैं। ठीक है, हमने एक डेटा सेट लिया था, IQ, CGPA, प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, ये डेटा सेट हमने लिया था। ठीक है, 1000 बच्चों का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि विजुअली स्पीकिंग क्या कर रहा है परसेप्ट्रॉन। ठीक है, सो अगर आप देखो तो परसेप्ट्रॉन इज बेसिकली अ फंक्शन, जो भी आउटपुट है वाई वो या तो 1 आता है या तो 0 आता है। ठीक है, क्योंकि स्टेप फंक्शन लगा हुआ है, तो वाई को आप इस तरीके से लिख सकते हो दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ जेड, जहां पे जेड ये है, या फिर आप लिख सकते हो जेड इज W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस B। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो ऐसे कि द आउटपुट विल बी 1 इफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड द आउटपुट विल बी 0 इफ जेड इज लेस देन 0।
ठीक है, सो वाई इज अ फंक्शन ऑफ जेड वेयर जेड इज दिस, एंड वाई कैलकुलेट कैसे होता है यूजिंग दिस लॉजिक। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमारा जो डेटा सेट है हम उसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, प्लॉट कैसे करेंगे, हम एक स्कैटर प्लॉट बनाएंगे जहां पे एक्स एक्सिस पे आईक्यू का वैल्यू होगा, वाई एक्सिस पे सीजीपीए का वैल्यू होगा। ठीक है, और हमारे पास 1000 बच्चे हैं तो 1000 पॉइंट्स बनेंगे, तो पॉइंट्स कुछ ऐसे हो सकते हैं, इस तरीके से वी कैन हैव ऑल द स्टूडेंट्स, वी कैन हैव ऑल दी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब प्लेस्ड अगर हुआ है तो हम उसको ग्रीन सर्कल में डाल देते हैं लाइक दिस, और अगर प्लेस्ड नहीं हुआ है मतलब जीरो है वैल्यू, तो हम उसको इस सर्कल में डाल देते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने एक इस तरह का डेटा सेट बना दिया जहां पे जब आपका आईक्यू भी हाई है और सीजीपीए भी हाई है तो आप ग्रीन क्लस्टर में फॉल करोगे, और अगर आपका आईक्यू भी कम है सीजीपीए भी कम है तो आप रेड क्लस्टर में फॉल करोगे। ठीक है, सो दिस इज द डेटा सेट। अब मुझे ये देखना है कि इस डेटा सेट के ऊपर ये एल्गोरिदम या फिर ये फंक्शन बोला जाए कैसे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, देखो हमारा एंड गोल है एक प्रिडिक्टर बनाना जिसका काम होगा कि जब हम उसको एक नए स्टूडेंट का आईक्यू और सीजीपीए प्रोवाइड करें, वो प्रिडिक्टर वो मॉडल हमें बता दे कि उस स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब पूरी की पूरी चीज यहां पर फंसती है, ये देखो इस चीज पे फोकस करना और वीडियो पॉज करके सोचने का ट्राई करो कि क्या आपने ऐसा कोई इक्वेशन देखा है पहले। लेट्स से हम W1 को रिप्लेस कर दें विथ कैपिटल ए, W2 को रिप्लेस कर दें विथ कैपिटल बी, और लेट्स से B को रिप्लेस कर दें विथ कैपिटल सी, X1 को रिप्लेस कर दें विथ स्मॉल एक्स, X2 को रिप्लेस कर दें विथ स्मॉल वाई, तो ये इक्वेशन बन जाता है AX प्लस BY प्लस सी। अब अगर आपको पता होगा तो ये एक्चुअली इक्वेशन है एक लाइन का, ये एक लाइन का इक्वेशन है। सो इन अ वे आपका जो परसेप्ट्रॉन है इट इज नथिंग बट अ लाइन, इट इज अ लाइन सी लाइक दिस। ठीक है, अब गोइंग बाय दिस लॉजिक जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यू आर सेइंग AX प्लस BY प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो आप बोल रहे हो कि प्लेसमेंट होगा, अगर ये इक्वेशन ट्रू है, अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो आप बोल रहे हो प्लेसमेंट नहीं होगा। अब अगर आप ये सोचो ये क्या है, अगर AX प्लस BY प्लस सी इक्वल टू जीरो एक लाइन है तो सोच के देखो वीडियो पॉज करके कि ये क्या है, ये एक्चुअली एक रीजन है, दिस इज अ रीजन। सिमिलरली ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ रीजन। ठीक है, सो अगर आप बात करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो वो ये रीजन है, ये रीजन है इसके ऊपर का सब कुछ। और अगर आप बात करो लेस देन जीरो का तो वो ये रीजन है नीचे का। तो इन अ वे परसेप्ट्रॉन ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है इट इज बेसिकली अ लाइन जिसको यूज करके मैं दो रीजन क्रिएट कर रहा हूं, और एक रीजन में यहां पे अगर कोई नया पॉइंट आके गिर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ उसका प्लेसमेंट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आके गिर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ उसका प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है कि परसेप्ट्रॉन इज नथिंग बट अ लाइन, और उसका काम है रीजन क्रिएट करना। ठीक है, और रीजन में आपके क्लासेस को डिवाइड करना। ठीक है, यहाँ पे दो क्लासेस थी, प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा उसको आपने दो रीजन्स में डिवाइड कर दिया। तो इन अ वे इसीलिए बोला जाता है कि परसेप्ट्रॉन इज अ बाइनरी क्लासिफायर, बाइनरी क्लासिफायर, क्योंकि ये आपके डेटा को दो अलग क्लासेस में डिवाइड करता है बाय क्रिएटिंग टू रीजन्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि चलो भैया ये तो 2D था, मेरे पास दो इनपुट्स थे आई क्यू और सी जी पी ए, वॉट इफ मेरे पास एक और इनपुट है
लेट्स से मेरे पास एक इनपुट है IQ, CGPA और एक है 12th के मार्क्स, और फिर मुझे पता करना है कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो इन दिस केस आपका ये जो पूरा का पूरा रीजन है वो 3D में है, मतलब इन सारे पॉइंट्स को आप इमेजिन करो कि 3D में है, ठीक है। और इस केस में आपका जो इक्वेशन होगा FZ वो होगा W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 X3 प्लस B, और रीजन्स ऐसे बनेंगे, ठीक है। अब इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ AX+BY+CZ+D0, और ये इक्वेशन है एक प्लेन का। इसका मतलब इस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब आपका जो परसेप्ट्रॉन मॉडल है वो एक लाइन की तरह ना हो करके एक प्लेन का काम कर रहा है। अपने रूम को इमेजिन करो और वहां पर आप एक शीट इमेजिन करो, वो शीट आपका परसेप्ट्रॉन मॉडल है और वो फिर से दो रीजंस क्रिएट कर रहा है, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। ऊपर की साइड एक क्लास, नीचे की साइड दूसरी क्लास। सो इन शॉर्ट 2D में परसेप्ट्रॉन विल एक्ट एज अ लाइन, 3D में परसेप्ट्रॉन विल एक्ट एज अ प्लेन, एंड 4D ऑनवर्ड्स इट विल एक्ट एज अ हाइपर प्लेन। बट द आइडिया इज वेरी सिंपल कि हमेशा परसेप्ट्रॉन आपके डेटा को दो पार्ट्स में, दो रीजन्स में डिवाइड करेगा। दैट इज वाई इसको बाइनरी क्लासिफायर बोला जाता है। और एक चीज इस पूरे वर्किंग से शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि परसेप्ट्रॉन का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि परसेप्ट्रॉन सिर्फ लीनियर या फिर सॉर्ट ऑफ लीनियर डेटा को ही क्लासिफाई कर सकता है। मतलब वो उसी टाइप के डेटा को क्लासिफाई कर पाएगा जो एक लाइन से सेपरेट हो सकते हैं। जैसे यहां पर यू कैन सी कि आप इस ग्रीन क्लस्टर और इस रेड क्लस्टर को एक लाइन से सेपरेट कर सकते हो। सॉर्ट ऑफ लीनियर का मतलब है कि एक दो रेड पॉइंट्स यहाँ आ गए होते और एक दो ग्रीन पॉइंट्स यहाँ आ गए होते तो भी आप ये लाइन ड्रॉ करके अपना काम चला लेते, एक्यूरेसी थोड़ा कम होता बट काम चल जाता। बट अगर आपके पास एक कंप्लीटली नॉन लीनियर डेटा सेट है तो फिर परसेप्ट्रॉन विल फेल। आई विल शो यू। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा डेटा सेट है, दिस इज द डेटा सेट, ये हमारे स्टूडेंट्स का डेटा सेट है। अब आप कभी भी एक लाइन ड्रॉ करके दोनों क्लासेस को सेपरेट नहीं कर सकते, और इस तरह के सिनेरियोज में आपके परसेप्ट्रॉन का जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही कम आएगा। दैट इज वाई परसेप्ट्रॉन कैन बी यूज्ड ओनली ऑन लीनियर और सॉर्ट ऑफ लीनियर डेटा सेट्स, ठीक है। और ये बात 2D, 3D, 4D सब में ट्रू है। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, और यही सबसे बड़ा लिमिटेशन है परसेप्ट्रॉन का, जिसकी वजह से परसेप्ट्रॉन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाया, ठीक है। इसको हम थोड़ा और आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट मेरा इस सेक्शन में गोल था आपको एक एक चश्मा देना जिसके थ्रू आप देख पाओ कि परसेप्ट्रॉन कर क्या रहा है, ठीक है। विजुअली इमेजिन कर पाना कि परसेप्ट्रॉन कर क्या रहा है। परसेप्ट्रॉन इज नथिंग बट अ लाइन इन 2D विच क्रिएट्स टू रीजन्स टू क्लासिफाई टू क्लासेस। दैट्स इट। अभी तक हमने बस इतना ही डिस्कस किया। 3D में वही प्लेन बन जाएगा, 4D में वही हाइपर प्लेन बन जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। सो गाइस, अभी तक हमने थोड़ा बहुत थ्योरी कवर किया अबाउट परसेप्ट्रॉन। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू सेम चीज दिखाता हूँ। द आइडिया वुड बी कि आपने जो भी अभी तक सीखा वो थोड़ा और कंक्रीट हो जाए आपके दिमाग में, ठीक है। तो मैं आपको एक डेटा सेट के ऊपर परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। हमारे पास जो डेटा सेट है वो एग्जैक्टली वही डेटा सेट है जिसका मैं एग्जाम्पल दे रहा था। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा सेट है जहाँ पे हमारे पास उनका CGPA है, उनका रेज्यूमे स्कोर है और उनका प्लेसमेंट हुआ या नहीं, ये डेटा है। और CGPA और रेज्यूमे स्कोर दोनों ही आपका 0 से लेके 10 के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो कोड बहुत ही सिंपल है। हम लोग बाय द वे साइकिट लर्न का परसेप्ट्रॉन क्लास को यूज करेंगे, परसेप्ट्रॉन
का ऑप्शन है साइकिटलर्न में, तो हमें कुछ खुद से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, डेटा इंपोर्ट किया, 100 बच्चों का डेटा है, सीजीपीए, रेज्यूमे स्कोर, प्लेस्ड कॉलम है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सीजीपीए और रेज्यूमे स्कोर कैसे कैसे वेरी कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्केटर प्लॉट एंड यू कैन सी हमारा जो डेटा है वो काइंड ऑफ लीनियरली सेपरेबल है। एक्स एक्सिस पे सीजीपीए, वाई एक्सिस पे रेज्यूमे स्कोर, कलर कोडेड है प्लेसमेंट के हिसाब से। ब्लू वाले बच्चे उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, ऑरेंज वालों का प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब हमारा काम है इसके ऊपर परसेप्ट्रॉन चला के 2 डिसीजन रीजन्स क्रिएट करना। ठीक है, सो इन शॉर्ट क्या करेगा हमारा परसेप्ट्रॉन, सीजीपीए है हमारे पास, हमारे पास रेज्यूमे स्कोर है और हमारे पास प्लेस्ड है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इस तरीके का एक लाइन ड्रॉ करेगा परसेप्ट्रॉन। ठीक है, और इस लाइन ड्रॉ करने के प्रोसेस में वो 3 चीजें कैलकुलेट करेगा, W1, W2 एंड B। अगर आप परसेप्ट्रॉन के मॉडल की बात करो तो वो कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ से सीजीपीए की वैल्यू जाएगी और W1 कैलकुलेट होगा, यहाँ से रेज्यूमे स्कोर की वैल्यू जाएगी और यहाँ पे W2 कैलकुलेट होगा, यहाँ से 1 की वैल्यू जाएगी और यहाँ से B कैलकुलेट होगा। तो हमें एक्चुअली 2 चीजें देखनी है कि ये तीनों वैल्यूज मिल रही हैं कि नहीं और ये लाइन फॉर्म हो रही है कि नहीं। ठीक है, और यही काम करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट कर लिया, परसेप्ट्रॉन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और पी डॉट फिट को कॉल करके मैंने अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया। ठीक है, अब पी के अंदर आपके पास कोफिशियंट बोल करके एक एट्रीब्यूट है, जैसे ही मैंने उसको रन किया यू कैन सी ये रहा मेरा आउटपुट। सो यहाँ पर W1 जो है वो आ रहा है 40 समथिंग और जो W2 है वो आ रहा है -36 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और फिर मैंने पी डॉट इंटरसेप्ट किया तो वो आ रहा है -25, तो हमारा जो बी है वो -25 है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली। अब अगर आपको देखना है कि लाइन प्लॉट हुआ कि नहीं तो उसके लिए मैंने ये फंक्शन कॉल किया, प्लॉट डिसीजन रीजन्स फ्रॉम दिस लाइब्रेरी कॉल्ड ML एक्सटेंड। उसमें मैंने अपना एक्स और वाई पास किया और अपना क्लासीफायर पास किया और ये रहा हमारा आउटपुट। ठीक है, यू कैन सी ये रहा वो लाइन जिसके अकॉर्डिंग टू माई परसेप्ट्रॉन दिस इज द लाइन जो सही से डिवाइड कर रहा है पूरे के पूरे डेटा को 2 क्लासेस में। ठीक है, ऑल्दो ये जो रिजल्ट है ये उतना सही नहीं है, आपको भी दिख रहा होगा, बट उसका रीजन ये है कि हमने सही तरीके से भी कन्फिगर नहीं किया है, हमने कुछ मेहनत नहीं की और डेटा भी बहुत कम है। ठीक है, बट अगेन मेरा एंड गोल ये नहीं था कि मैं आपको वो बेस्ट और सबसे एक्यूरेट परसेप्ट्रॉन दिखाऊं, मेरा आइडिया था कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार प्रैक्टिकली कोड में करके दिखाऊं। ठीक है, तो अब आप क्या करो, आप भी कोई डेटा सेट उठाओ जिसमें 2 से ज्यादा कॉलम्स हो इनपुट में और उसके ऊपर परसेप्ट्रॉन अप्लाई करो, ऑल्सो आपके ऊपर है, आप एक्यूरेसी वगैरह भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट। सो दैट वॉज द वीडियो गाइस। मैंने इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेप्ट्रॉन को ट्रेन कैसे करना है वो टॉपिक। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इट डिजर्व्स अ लाइक फ्रॉम योर साइड, प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन, इट वुड हेल्प माई कॉन्टेंट टू रीच अ वाइडर ऑडियंस। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं परसों, बाय।